नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आसान डिजाइन लाई हूँ। आपको आश्चर्य होगा कि इतना खूबसूरत डिजाइन और इतनी आसानी से बनता है, बिगनर्स भी इसे फर्स्ट ट्राई में ही बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए हम इवन नंबर में कितने भी फंदे ले सकते हैं। तो ये डिजाइन का पहला लाइन है और सामने से, तो पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर उनको अपनी तरफ करेंगे, नेक्स्ट फंदे को हमें स्लिप कर लेना है, अगला फंदा उल्टा। तो पहला फंदा एज स्टिच है, इन्हीं दो फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है, यानी एक फंदा स्लिप करना है, ऊन हमारा हमारी तरफ ही रहेगा और अगला फंदा उल्टा। एक फंदा स्लिप करना है, अगले फंदे को उल्टा बुनना है, एक फंदा स्लिप करना है, अगले फंदे को उल्टा बुनना है, एक फंदा स्लिप करेंगे और अगले फंदे को उल्टा बुनेंगे और लास्ट फंदा इसे हम सीधा बुन लेंगे। अब ये डिजाइन का दूसरा लाइन है और रॉन्ग साइड, तो सभी फंदे हम उल्टा बुन लेंगे। दूसरी लाइन में रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बुन लिए जाएंगे। तीसरी लाइन में हम अपना दूसरा कलर अटैच करेंगे, तो हमने अपना दूसरे कलर का धागा अटैच कर लिया। अब हम सभी फंदे सीधे बना लेंगे। तीसरी लाइन में हमने सभी फंदे सीधे बुन लिए और चौथी लाइन में सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। पांचवी लाइन में हम अपने दूसरे कलर के ऊन से ही बुनाई करेंगे और पहले फंदे को उल्टा बुनेंगे। अब देखिए, पहली लाइन में हमने पहले फंदे को स्लिप किया था, तो अब हम पहले इस फंदे में सिलाई डालेंगे और फिर नीचे जो हमारा ये थ्रेड रह गया है इसमें सिलाई डालेंगे, दोनों को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे। अगला फंदा हमें हम स्लिप कर लेंगे, फिर नेक्स्ट फंदा हमें उल्टा बुनना है, तो हम फंदे में सिलाई डालेंगे और फंदे के नीचे आ जाएंगे और ये जो थ्रेड है हमने स्लिप किया था, तो ये थ्रेड आगे जो रह गया है इसे उठाएंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बना लेंगे। तो ये हमारा पहला लाइन ही है, बस हम जिस फंदे को बुना था, जिस फंदे को हमने बुना था उसे हमें स्लिप करना है और जिस फंदे को स्लिप किया था उसमें उसे हमें बुनना है, और बुनते समय हम नीचे से जो थ्रेड है उसे भी उठाएंगे और दोनों को एक साथ लेके तब उल्टा फंदा बना लेंगे। तो हमने ये उल्टा फंदा बना लिया, अगला फंदा हमें स्लिप करना है, नेक्स्ट फंदा उल्टा बुनना है, तो फंदे में सिलाई डालेंगे, फंदे के नीचे आ जाएंगे और ये जो थ्रेड है इसे उठाएंगे, दोनों को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे। नेक्स्ट फंदा हमें स्लिप करना है, अगले फंदे को बुनना है, तो फंदे में सिलाई डालेंगे, फंदे के नीचे आ जाएंगे और ये जो थ्रेड है इसे उठाएंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए उल्टा फंदा बना लेंगे। अगला फंदा हमें स्लिप करना है, तो इसे स्लिप कर लेंगे और लास्ट फंदा इसे हम उल्टा बना लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। तो ये है डिजाइन का छठा लाइन और रॉन्ग साइड सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। तो हमने सेकेंडरी कलर के ऊन से चार लाइन बुनाई कर ली। सेकेंडरी कलर से चार लाइन बुनने के बाद फिर हम अपना प्राइमरी कलर का धागा लेंगे और सभी फंदे सीधे बना लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। अब ये डिजाइन का नाइन्थ रो है और सामने से, और अब इसमें हम वापस डिजाइन डालेंगे। डिजाइन का नाइन्थ रो और फ्रंट साइड अब हम अपने प्राइमरी कलर से ही बुनेंगे। पहला फंदा उल्टा बुन लेंगे, नेक्स्ट फंदा हम स्लिप कर लेंगे और अगला फंदा
इसमें हम सिलाई डालेंगे और फिर फंदे के नीचे आ जाएंगे और ये जो हमने थ्रेड स्लिप किया था तो थ्रेड आगे रह गया था उसे उठाएंगे, दोनों को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बनाएंगे। नेक्स्ट फंदा हमें स्लिप कर लेना है, नेक्स्ट फंदा हमें उल्टा बुनना है, तो फंदे में सिलाई डालेंगे, फंदे के नीचे आएंगे और ये जो सेकेंडरी कलर का धागा है इसे उठाएंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए उल्टा फंदा बना लेंगे। नेक्स्ट फंदा हमें स्लिप करना है, अगले फंदे में सिलाई डालेंगे और फंदे के नीचे आ जाएंगे, ये जो सेकेंडरी कलर का धागा है इसे उठाएंगे, दोनों को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे। तो इन्हीं दोनों फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है, एक फंदा स्लिप करना है, एक फंदा उल्टा बुनना है और उल्टा बुन ये देखिए इस फंदे को उल्टा बुनना है, तो इसमें सिलाई डालेंगे, फंदे के नीचे आएंगे और ये जो फंदा हमने स्लिप किया था तो धागा रह गया है इसे उठाएंगे, दोनों को एक साथ लेंगे और लास्ट फंदा इसे हम सीधा बना लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। तो ये हमारा प्राइमरी कलर से चौथा लाइन कंप्लीट हो गया। अब फिर हम अपने सेकेंडरी कलर से बुनाई करेंगे, तो सभी फंदे सेकेंडरी कलर से सीधे बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। तो हमने सेकेंडरी कलर से दो लाइन कंप्लीट कर लिया। अब तीसरे लाइन में डिजाइन बनेगा, तो सेकेंडरी कलर के उनसे ही पहला फंदा उल्टा बुन लेंगे, नेक्स्ट फंदे में हम सिलाई डालेंगे और इस फंदे के नीचे आ जाएंगे और ये इस थ्रेड को उठाएंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए उल्टा फंदा बना लेंगे। नेक्स्ट फंदा हमें स्लिप करना है, अगले फंदे में हम सिलाई डालेंगे, फिर इस फंदे के नीचे आ जाएंगे और इस थ्रेड को हम उठाएंगे। देखिए ये प्राइमरी कलर का जो थ्रेड है इसे हम उठाएंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए उल्टा फंदा बना लेंगे। नेक्स्ट फंदा हमें स्लिप करना है, अगले फंदे में हम सिलाई डालेंगे, फिर सिलाई फंदे के नीचे आएंगे, प्राइमरी कलर का जो धागा है उसे उठाएंगे, दोनों को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे। नेक्स्ट फंदा स्लिप करना है, अगले फंदे में सिलाई डालेंगे, फंदे के नीचे आएंगे और जो प्राइमरी कलर का धागा है इसे उठाएंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बना लेंगे। तो एक फंदा हमें स्लिप करना है, अगले फंदे को उल्टा बुनना है और नीचे से धागा उठाएंगे, दोनों को एक साथ लेके तब उल्टा फंदा बना लेंगे। नेक्स्ट फंदा स्लिप करना है, लास्ट फंदा उल्टा और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। अब यहाँ पे हमारा सेकेंडरी कलर से चार लाइन कंप्लीट हो गया है, तो अब हम प्राइमरी कलर से सभी फंदे सीधे बना लेंगे। तो हमने पहली लाइन में डिजाइन डाला था, फिर पांचवी में, फिर नौवीं में। अब ये हमारा देखिए ग्यारहवीं लाइन है, तो ग्यारहवीं और बारहवीं लाइन प्लेन रहेगा। जब हम नया कलर ले रहे हैं, जब हम कलर बदल रहे हैं, तो पहला और दूसरा लाइन हमारा प्लेन रह रहा है। देखिए दूसरा लाइन प्राइमरी कलर का, ये दूसरा लाइन, तो इसे भी हम पीछे से उल्टा बना लेंगे। हमने पहला लाइन उल्टा बनाया, दूसरा लाइन उल्टा बनाया, तीसरा लाइन दूसरे रंग के उनसे सीधा, चौथा लाइन उल्टा और पांचवें लाइन में फिर हमारा डिजाइन बना है। अब यहाँ हमने प्राइमरी कलर से दो लाइन कंप्लीट कर लिया, तो तीसरे लाइन में हमारा डिजाइन बनेगा। तो पहला फंदा हम उल्टा बुन लेंगे, सॉरी, तो प्राइमरी कलर के ऊन से पहला फंदा उल्टा बुन लेंगे, अगला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, नेक्स्ट फंदा हमें उल्टा बुनना है, तो इसे इसमें सिलाई डालेंगे और फंदे के नीचे आ जाएंगे और सेकेंडरी कलर का धागा उठाएंगे। देखिए प्राइमरी कलर से हम बुन रहे हैं, सेकेंडरी कलर का धागा उठाएंगे, दोनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बना लेंगे। नेक्स्ट फंदा स्लिप करना है, अगले फंदे को उल्टा बुनना है और फंदे के नीचे आएंगे और ये देखिए सेकेंडरी कलर का धागा है इसे उठाएंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए उल्टा। नेक्स्ट स्लिप करना है, अगले फंदे को उल्टा बुनना है, दोनों को एक साथ, तो फंदे में सिलाई डालेंगे, फंदे के नीचे आएंगे और थ्रेड को उठाएंगे
देखिए ये दोनों अपोजिट कलर के हो रहे हैं, तो दोनों को एक साथ लेते हुए उल्टा बुनेंगे। अगला फंदा स्लिप करेंगे, नेक्स्ट फंदे में सिलाई डालेंगे, फंदे के नीचे आएंगे और सेकेंडरी कलर वाले धागे को उठाएंगे। एक प्राइम प्राइमरी हो गया, एक देखिए धागा सेकेंडरी हो गया, दोनों अपोजिट हो गए, तो उठाएंगे दोनों को एक साथ लेते हुए उल्टा बुनेंगे, नेक्स्ट फंदा स्लिप करना है। तो जब भी हम कलर चेंज कर रहे हैं तो हम तीसरी लाइन में डिजाइन बना रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स डिजाइन बनके तैयार है। आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको डिजाइन अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, डिजाइन को अपने दोस्तों में अपने रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।